राधे राधे मेरी YouTube फैमिली, चलिए आज आपके साथ एक अच्छा सा ना ब्रेकफास्ट मैं शेयर करने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट क्या है, साथ में ये लंच भी है, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल है ना वो ओपन हो चुके हैं, तो बच्चों को हमने कोर्स वगैरह लाके दे दिया है और आज 3 अप्रैल है, तो आज से बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल जाना, तो वही अपना लंच और ब्रेकफास्ट का रूटीन शुरू होने जा रहा है या फिर हो चुका है, ठीक है ना। तो आज पहला दिन है और काफ़ी सारा सुबह सुबह मुझे काम भी होता है, तो मैं नहा धो के ऊपर आ चुकी हूँ, बल्कि थोड़ा सा ना मुझे लेट ही हो चुका है। जब मैं नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के ऊपर आई तो कपड़े उठाने के लिए आती हूँ ना नहाने के लिए, तो तब मैंने क्या किया, आलू उबलने के लिए रख के जा चुकी थी। पता है मतलब आलू उबालने तो सभी को आते हैं, इसी वजह से मैंने वो क्लिप नहीं दिखाई थोड़ा सा जल्दी में दी। कल ही ये पानी की बोतल लेके आई हूँ और इसका पानी टेस्ट कर रही हूँ मैं। पता है इसमें हमने रात में पानी भर के रख दिया था, तो मैं देखती हूँ कैसा रिजल्ट है, कहीं इसके ऊपर पॉलिश तो नहीं की हुई है, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा है। पता है मतलब शादी से पहले हम खेतों में जाते थे मिट्टी के घड़े या करवे लेके, और शाम के टाइम में उनमें पानी भर के रख के आ जाते थे, और जब जाके खेतों में सुबह को पानी पीते थे ना उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी, तो वही मुझे एकदम से याद आ गया था। जो मिट्टी की बोतल है बहुत ही अच्छी है, पानी इसका बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा है। तो चलिए अब बाकी की बातें छोड़ते हैं और अपने रूटीन पे चलते हैं। सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी होता है, खासकर जब बच्चों के स्कूल ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। सभी मम्मी के साथ ऐसा होता होगा, बट मेरे घर में तो सभी के साथ ऐसा होता है। तो मैंने क्या किया, आलू तो उबल चुके थे, उसमें 2-3 सीटी आ चुकी थी, छोटे छोटे से ही आलू हैं, तो इससे पहले मैं कुकर को खोलती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर रख दिया है दूध, अभी मैंने चाय नहीं रखी है, बच्चे और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, उनको थोड़ा सा ना टाइम लग जाएगा, तो बाद में बना लूँगी या बच्चों को बोल दूँगी वो बना देंगे अगर मुझे टाइम ना लगा। पहले मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और इधर मैं कुछ मटर लेके आ गई हूँ, साथ में हरा धनिया लेके आ गई हूँ। आज मेरे पास हरा धनिया था तो मैं हरा धनिया भी डाल दी हूँ, बाकी मेरे पास ना बहुत ही कम होता है टाइम पे हरा धनिया, कभी कभी तो बहुत सारा ख़राब हो जाता है और कभी कभी ज़रूरत के लिए भी नहीं होता है। तो चलिए मटर को हमें छीलना है, धनिया को मैं धो के लेके आ गई हूँ, इसका पानी या मॉइस्चर ना ख़त्म सा हो जाएगा जब तक इसका काटने का नंबर आएगा। कुकर खोल दिया है मैंने और यहाँ पे आलू अच्छे से उबल चुके हैं, कोई कोई आलू ना फट भी चुका था। दरअसल ये हमारे खेत के ही आलू हैं और अब घर में आलू भी ख़त्म ही हो रहे हैं। कल हम मार्केट तो गए थे, सामान इतना ज़्यादा हो गया था तो वहाँ से आलू लेके नहीं आए थे, तो छोटे छोटे आलू हैं, इनको छीलने में टाइम लगता है, उबल तो जल्दी से जाते हैं। चलिए एक बास्केट में निकाल दिया है, जब तक ये ठंडे होंगे हम बाकी का काम कर लेते हैं। और आलू का क्या है, आलू तो मैं साथ के साथ भी छीलती रहूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा काम करती रहूँगी और आलू छीलती रहूँगी। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर मटर की, तो मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी मटर छील लेती हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मटर ले रही हूँ। अच्छा आपके पास अगर मटर हो तो आप ले लीजिएगा, नहीं है तो आप रहने दीजिएगा। तो मेरे पास तो आज मिल गई थी, यानी कि कल हम मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आए थे ना, तो कल ही लेके आई थी सब्जी बनाने के लिए, तो थोड़े से दाने मैंने मटर के यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मटर वगैरह तो निकाल के तैयार कर ली है, सबसे पहले काउंटर को ना साफ कर देते हैं। जब जगह कम होती है ना तो थोड़ी सी भीड़ बढ़ाकर ना हमें ज़्यादा ही लगता है, और काम को ना हमें साथ के साथ ही निपटाना भी होता है। चलिए आलू को भी छीलना शुरू कर देती हूँ, जितना भी टाइम मिलेगा आलू को छीलती जाऊँगी। ये मैं मसाला दानी वगैरह लेके आ गई हूँ, गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है और मेरी नज़र जा रही है बार बार घड़ी की तरफ, सामने ना घड़ी टंगी हुई है। थोड़ा सा ना गला खराब है, मतलब जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना तो यहाँ पे घड़ी टांगी हुई है मैंने, तो मुझे घड़ी में टाइम दिखता रहता है, मैं काम को उसी हिसाब से करती रहती हूँ। कढ़ाई में डाल दिया है 1 छोटा चम्मच के जितना सरसों का तेल, गर्म होते के साथ ही थोड़ा सा तो हींग डालेंगे, थोड़े से दाने जीरे के, थोड़े से साबुत धनिया और थोड़ी सी ना हम यहाँ पे राई डाल देते हैं, मतलब कि जीरा साबुत धनिया और राई। आज मेरे पास काजू भी थे, काजू टुकड़ा यानी के, और मुझे याद भी आ गए थे, तो चलिए थोड़े से मैंने वो भी डाल दिए हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली है ना तड़के में, आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हो, मेन तो यहाँ पर मोटे वाला जो साबुत धनिया है ना वो है। वैसे हल्का सा ही जब ये भून सा जाएगा ना, हम यहाँ पर ये छीली हुई मटर डाल देते हैं और इनको कर देते हैं अच्छे से मिक्स, यानी कि जो मटर है ना इनको हल्की सी हमें सॉफ्ट कर लेती है। अब मटर हमारी जल्दी से पक जाए मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, जितना नमक मुझे पूरी रेसिपी में डालना है मैंने उतना ही नमक यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हल्के हल्के से हल्दी और थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी है, अभी आगे के मसाले नहीं डाले हैं, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके रखा हुआ है और मसालों को ना अच्छे से थोड़ा पका लेते हैं। अब डाल देते हैं इसमें
धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरे वाला पाउडर साथ में डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी, कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है ना। मेजरमेंट चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। सुबह की जल्दी है ना, थोड़ा सा जल्दी में ही मैं एडिट भी कर रही हूँ। इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं था इसको छोड़ने का, नहीं तो अगर आप पानी नहीं डालना चाहते हैं ना तो 2 मिनट के लिए इसको कवर करके पका लें ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आंच को थोड़ा सा तेज कर दिया, मटर हमारी जल्दी से पक जाएंगी और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। तो चलिए, मटर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। आपने देखा ना, ये बेबी आलू है, मतलब बहुत छोटे छोटे से साइज के आलू हैं, मैंने ऐसे के ऐसे यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब हम कर देते हैं गैस को बंद, ठीक है। तो हल्का सा ही इनको यहाँ पे मिला लेते हैं, ज़्यादा देर तक भुनेंगे नहीं, और आज भी हम यहाँ पे ऑन करके नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, जो हमारी मटर है ना वो हार्ड होनी शुरू हो जाएगी और जो हमारे मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा जलने लगेंगे। आज के ऊपर से इसको मैंने उतार लिया है, हल्का सा इसको चला देते हैं। अच्छा, अब हमें इसको क्या करना है, हमें करना है इनको मैश। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको हल्का सा ठंडा कर ले और हाथों से ही मैश कर ले, अगर आपके पास इस तरीके का पोटैटो मैशर ना हो। बट मेरे पास, मुझे टाइम नहीं है, सुबह का टाइम है, बच्चों के हाथ में 7:45 बजे तक मुझे ये टिफ़िन पकड़ाना ही है, लंच भी, मतलब ब्रेकफास्ट भी कराना है और लंच भी उनको साथ में देना ही है, और मुझे वैसे भी देरी हो चुकी है, ठीक है ना। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, अच्छे से इनको मैश कर दिया, थोड़ा मोटा मोटा ही करना है और बस साइड में रख लेते हैं। अभी काफ़ी ये स्टफिंग है ना गर्म है, बट मेरा काम चल जाएगा। चलिए, ये मैं ब्रेड लेके आई थी कल, बच्चों को ना बहुत पसंद है, और ये नाश्ते ना मैं ऐसे बहुत ही कम बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ रेसिपी आपके पास तक पहुँच ही जाती हूँ, इतना ही बनाया जाता है मेरे घर में। तो जैसे ये ब्रेड है ना, इसके ऊपर अच्छे से ये मसाला या स्टफिंग जो हमने तैयार की है ना, ये अच्छे से दबा दबा के भर देगी। अब मैं स्पैचुला से भरूंगी, कौन से चमचे से भरूंगी, तो मुझे बहुत टाइम हो जाएगा आपको दिखाने के चक्कर में। अपना वही देसी तरीका अपना लिया है, मैं हाथों से ही भरना ज़्यादा पसंद करती हूँ। दबा दबा के भर लिया, दूसरा ब्रेड का टुकड़ा यानी ब्रेड का पीसेस के ऊपर रख के अच्छे से दबा दिया है ताकि वो चिपक सा जाए। तवा हल्का सा गर्म हो चुका है, यहाँ पे डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच के जितना घी। अच्छा, घी या तेल आप ना अपने हिसाब से ही डालिएगा, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और वो लंच में भी लेके जाएंगे, तो मैंने घी ना यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, ठीक है। हल्का सा ही इसको सिक जाने देते हैं कुछ ही सेकंड के लिए और इसको पलट देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, तवा तो हमारा चिकना हो ही चुका है, तो अब ये चिपकेगा तो नहीं, तो इस पर ना हमें साइडों में थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देना है। और उधर कान्हा जी का दूध भी बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, एक बात बताऊँ, मेरे घर में ना घी भी ख़त्म ही हो चुका है, मतलब यहाँ पे 3-4 ही जो है ना सैंडविच बोल सकते हो, टोस्ट बोल सकते हो, तो यही सीखे थे, ठीक है। फिर मैंने सेके नहीं थे, बिना घी के ही सेक लिए थे ऐसे ही। तो इसको ना दबा दबा के एक दो बार उल्टेंगे पलटेंगे और अच्छा सा ना थोड़ा सा क्रिस्पी सा होने तक इसको सेक लेंगे। तो ये लीजिए, एक हमारी ये सैंडविच या फिर टोस्ट बन के तैयार हो चुका है। घर में पूजा खत्म हो चुकी है, तो ये जो चाय का काम है मैंने अपने बच्चों को दे दिया था, और आप देख ही रहे होंगे बच्चे भी यूनिफॉर्म पहन के ही घूम रहे हैं। तो मेरे घर में ये एक प्लस पॉइंट है, जब भी मुझे काम में देरी होती है या काम में मतलब जल्दी होती है तो क्या करते हैं, हम सभी काम में लग जाते हैं, अपना अपना काम सभी संभाल लेते हैं, साथ में ये मेरा काम भी करा देते हैं। तो जो बच्चे हैं वो अपना पानी वगैरह भर रहे हैं, चाय भी बनानी थी मुझे, तो ये जो हम जैसे कचौड़ी पकौड़ी इस तरीके का नाश्ता बनाते हैं ना, तो बच्चे भी इसको चाय के साथ ही खाना पीना पसंद करते हैं, ना कि हम चटनी वगैरह के दही वगैरह के साथ खाते हैं, और खासकर ना सुबह का टाइम है। तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चाय, लड्डू गोपाल जी का दूध बन ही चुका था, और इधर मैं फटाफट से कर रही हूँ अपने बच्चों के जो है लंच की तैयारी। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से सीख जाए, मैं इनका टिफिन वगैरह भी पैक कर दूँगी। और एक बात और भी तो है, इस तरीके के नाश्ते ना गरम गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठंडा हो गया ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा बहुत गरम ही खा लूँगी, नहीं तो मेरे ऐसे में क्या होता है ना वो ठंडा ही आता है। तो उधर इधर यासिका ने कर दी है भोग की तैयारी, तो ये मैंने 2 टोस्ट यानी कि 2 सैंडविच सेक दी हैं और ये मैंने अपने बच्चों को दे दिया है। उधर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं कान्हा जी का या भगवान जी का दूध ठंडा। तो सुबह के टाइम ना इसी तरीके का होता है मेरे घर में, ना तो कैमरे की तरफ मेरी नज़र है और ना ही कुछ ऐसी नज़र है कि मैं रेसिपी को एक स्पेशल तरीके से बनाऊं आपको दिखाने के लिए। वास्तव में तो मेरे घर में रेसिपी या खाना या जो भी कुछ है ना काम का रूटीन नॉर्मली ना ऐसे ही होता है। तो चलिए फटाफट से सेक लेती हूँ मैं। अच्छा, आप बताइए, आपके घर में जब सुबह सुबह काम की जल्दी होती है, खासकर बच्चों के स्कूल टाइम में, तो आप अपने काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? आप देख रहे हैं ना हाथ कितनी स्पीड से चल रहे हैं, और कितनी बार तो ना मुझे समझ भी नहीं आता है, और कभी कभी क्या हो रहा है ना,
मतलब ध्यान ना इधर उधर भटकता ही रहता है। जो काम करना होता है वो तो हम करते नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, बातें तो चलती रहेंगी। यहाँ पे मैं एक टोस्ट आपको ना जल्दी से काट के दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चे जा चुके हैं अंदर भोग लगाने के लिए। एन 2-4 मिनट का उनको टाइम लग जाता है वहाँ पे, तो जब तक मैं अपना काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना, ये वीडियो का सार होता है। यहाँ तक आपको दिखाना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखिए मटर भी किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये मैंने ना लगभग में 4-5 टोस्ट जो है सेक के तैयार कर लिए हैं। बल्कि मैंने अपने हिस्से का नहीं सेका है, बच्चों का लंच का भी सेक दिया है और उनका खाने के लिए भी सेक दिया है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इस तरीके के नाश्ते घर में बना तो लेती हूँ, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को लंच में नहीं देती हूँ। बट आज उनका ना मतलब साल का पहला दिन है स्कूल में, और वो बोले मम्मी हमें यही लेके जाने हैं। और दूसरा ना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं उनके लिए कुछ अलग से मतलब पराठे या फिर रोटी वगैरह बना पाती। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, एक एक दे देती हूँ। कभी कभी खिलाने में कुछ जाता भी नहीं है बच्चों को, है कि नहीं? आप भी कर लेते होंगे। अच्छा जैसे मैं इनका लंच पैक कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सूखे सूखे हैं, बच्चे कैसे खाएंगे। घर में तो उन्होंने चाय के साथ खा लिया और साथ में ये गर्म भी है, बट स्कूल में जब लंच होगा तो ये ठंडे हो जाएंगे और सूखे सूखे से लगेंगे। तो मैंने बोला बच्चों को कि ताऊजी की दुकान पे से एक एक सॉस का पैक लेके चले जाना, छोटा सा आता है ना वो, एक एक दो दो रुपए का, वो लेके चले जाना। बट बच्चे हमसे भी ज़्यादा होशियार हो रहे हैं, बोले उनमें तो लहसुन प्याज होता है, नहीं हमें नहीं खाना। और फिर एक बात और भी है, मेरे बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत ही कम पसंद है। अगर हम खिलाने के लिए बोलते भी हैं ना, तो वो खुद से ही मना कर देते हैं, तो ये बच्चों में बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए यहाँ पर बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं, मैं भी अपना नाश्ता कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।